शाहिना मुल्क एंड यू आर वाचिंग टेकी बीज इंडिया। आज मैं आपके लिए जेटको कंपनी का एचडी प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूं, जो अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्टर है। एचडी रेजोल्यूशन होते हुए भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसमें हाई एंड फीचर्स दिए गए हैं और साथ ही साथ ये 4K रेजोल्यूशन की वीडियोस को भी सपोर्ट करता है। जो लोग मुझसे उस ग्रे प्रोजेक्टर स्क्रीन के बारे में पूछ रहे थे, जिसे मैंने अपनी बेनक्यू प्रोजेक्टर की वीडियो में यूज किया था, उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि वो प्रोजेक्टर स्क्रीन मैंने बैंगलोर से मंगवाई थी और बैंगलोर से अभी कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आ रहा है। इसलिए जब तक सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं हो जाता है, तब तक आप उसे खरीद नहीं पाएंगे। जेटको के इस प्रोजेक्टर के 2 वर्जन्स हैं, एक एंड्रॉइड, दूसरा बेसिक। दोनों की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए अभी वीडियो हम इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। जेटको का ये प्रोजेक्टर इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। बॉक्स के अंदर इस खूबसूरत से बैग में प्रोजेक्टर रखा आता है। इस बैग के अंदर सॉफ्ट कुशनिंग दी गई है और बाहर जेटको का ब्रांड नेम भी मेंशन किया गया है। अगर आप इस प्रोजेक्टर के साथ ट्रेवल कर रहे होंगे, तब भी ये बैग इस प्रोजेक्टर को फुली सिक्योर रखेगा। इधर साइड में आपको एक रिमोट, एक छोटी सी एवी केबल, ये रबराइज्ड हैंडल, इसको फिक्स करने के लिए 2 स्क्रूज, एक पावर कॉर्ड और ये HDMI केबल रखी मिलती है। जेटको का ये M6 Pro प्रोजेक्टर डस्ट प्रूफ होने के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइनिंग के साथ आता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका डिजाइन अब तक के सारे प्रोजेक्टर्स जो मैंने रिव्यू किए हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट कहा जाएगा। क्योंकि ये एक लाइटवेट प्रोजेक्टर है, आप इसे अपने साथ कहीं भी इस बैग में स्टोर करके ले जा सकते हैं। ये प्रोजेक्टर वर्टिकल डिजाइनिंग के साथ आता है। लेंस यहाँ ऊपर की ओर दी गई है, जिसके साइड में LED HD स्मार्ट प्रोजेक्टर लिखा आता है। नीचे के राइट हैंड साइड पे जेटको की ब्रांडिंग दी गई है। ऊपर के सरफेस पे आपको आगे की ओर लेंस फोकस व्हील मिलेगी और पीछे की ओर सारे फिजिकल बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। वेंटिलेशन का भी इस प्रोजेक्टर में पूरा ध्यान रखा गया है। पीछे की ओर इसमें 2 USB पोर्ट्स, 2 HDMI पोर्ट्स, एक AV पोर्ट, एक पावर पोर्ट, हेडफोन जैक और ये पावर बटन दिया गया है। चलिए फिर अब मैं आपको इसके फीचर्स बता देती हूँ। ये प्रोजेक्टर डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5.0 के अलावा ऑफिशियल एंड्रॉयड 9.0 के साथ आता है। हालांकि इस प्रोजेक्टर का नेटिव रेजोल्यूशन 720p है, ये 4K वीडियोस एट 60 फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट करता है। इसमें आपको H.265 डिकोडिंग मिल जाती है। इसका प्रोसेसर कॉर्टेक्स A55 क्वाड कोर है, जिसकी क्लॉकिंग स्पीड 2 GHz तक जाती है। इस वजह से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड काफी फास्ट है। इसमें आपको डॉल्बी, DTS और AC3 तीनों का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें 2GB DDR3 RAM और 32GB eMMC स्टोरेज दिया गया है। ये प्रोजेक्टर इलेक्ट्रॉनिक 4D वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कीस्टोन करेक्शन के साथ आता है। इसमें आपको 100% टू 70% का जूम आउट फीचर भी दिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस 3300 ल्यूमेंस है और इसका कंट्रास्ट रेशियो 4000:1 है। कंपनी की माने तो इसमें 8-digit IPS LCD पैनल का यूज किया गया है, जो एप्पल अपने फोन्स में यूज करती है, जिससे ये प्रोजेक्टर NTSC कलर गैमेट का 95% कवरेज, 85% यूनिफॉर्मिटी से देता है, जो DLP प्रोजेक्टर्स के स्टैंडर्ड को पूरा करता है। इस प्रोजेक्टर में इतने सारे हाई एंड फीचर्स दिए गए हैं, जो मैंने अभी तक किसी भी HD प्रोजेक्टर में नहीं देखे हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस की। मैं आपको इसका परफॉर्मेंस ग्रे और व्हाइट दोनों स्क्रीन्स पे दिखाऊंगी। इस समय आप इसका परफॉर्मेंस बैंगलोर से खरीदी गई एक 112 इंचेस की ग्रे एंटी लाइट स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसपे इसका बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। इस प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है, जो मोस्टली हाई एंड फुल HD प्रोजेक्टर्स में ही देखने को मिलता है। कलर्स विविड और पंची दिखते हैं और इमेजेस रियलिस्टिक लगती हैं। आमतौर से HD प्रोजेक्टर्स में स्क्रीन के पास जाने पे स्क्रीन पिक्सेलेटेड दिखती है, लेकिन इस प्रोजेक्टर के थ्रू जो इमेज प्रोजेक्ट होती है, अगर आप स्क्रीन के पास जाकर भी इसको देखेंगे तो पिक्सेलेशन बहुत ही कम दिखता है। पिक्चर्स बहुत ही शार्प और क्लियर दिखती हैं।
इस प्रोजेक्टर की डिटेल क्लियरिटी बहुत अच्छी है, जो काफी कुछ एक सिनेमा हॉल सा परफॉर्मेंस दे देती है। कहने को तो आप इसे 150 इंच तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट परफॉर्मेंस आपको 100 इंचेस के आसपास ही मिलेगा। चलिए अब मैं आपको इसका परफॉर्मेंस व्हाइट स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। व्हाइट स्क्रीन पे अगर आप 100 इंच से ऊपर जाएंगे तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, जिससे इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि ग्रे स्क्रीन पे दिखता है। अगर आप व्हाइट स्क्रीन पे इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बेटर होगा कि आप इसे 80 इंच तक ही लिमिटेड रखें, तब इसकी ब्राइटनेस सेटिस्फैक्टरी दिखेगी। ग्रे स्क्रीन पे इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव है और इमेजेस बहुत ही शार्प दिखती हैं। इस प्रोजेक्टर के कलर्स रियलिस्टिक हैं और ब्लैक्स भी डीप दिखते हैं। अगर आप इसे ग्रे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो थोड़ी लाइट में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा। मेरे इस मिनी थिएटर में स्क्रीन के जस्ट ऑपोजिट मैंने लाइट ऑन रहने दी है, ताकि स्क्रीन के साथ साथ ये हॉल भी दिखे। अगर आप इस प्रोजेक्टर को डार्क रूम में देखेंगे तो आपको इसका परफॉर्मेंस और अच्छा दिखेगा। ऑडियो की बात की जाए तो डॉल्बी और डीटीएस का सपोर्ट इस प्रोजेक्टर की ऑडियो को प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट बनाता है। एक बड़े साइज रूम में भी इसकी ऑडियो लाउड और क्लियर सुनाई देती है। एक एक इंस्ट्रूमेंट की साउंड को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूं, सिनेमा हॉल के जैसे एक्सपीरियंस के लिए आपको किसी भी प्रोजेक्टर के साथ एक होम थिएटर की जरूरत पड़ेगी ही। इस पूरी गैलेक्सी में मुझे यही प्लैनेट सबसे ज्यादा पसंद है। सुनो, घोड़ा गाड़ी ले आओ जल्दी। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। मेरा ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड है, जिसका प्राइस 18,990 है, लेकिन इसका दूसरा बेसिक मॉडल भी आता है जो केवल 11,490 में मिलता है। उसका पिक्चर परफॉर्मेंस एग्जैक्टली इसी प्रोजेक्टर जैसा है, तो अगर आपका बजट कम है तो आप वो मॉडल भी ले सकते हैं। आमतौर से जो एंड्रॉइड प्रोजेक्टर आते हैं उनमें आउटडेटेड एंड्रॉइड वर्जन ही देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रोजेक्टर में ऐसा नहीं है। इसमें आपको ऑफिशियल एंड्रॉइड 9.0 दिया गया है और इसमें आप लगभग सारे ही एप्स चला पाएंगे। इसमें प्ले स्टोर भी दिया गया है और डुअल बैंड वाईफाई है, जो आपको शायद ही किसी बजट प्रोजेक्टर में देखने को मिले। आप इस प्रोजेक्टर को वायरलेसली अपने ब्लूटूथ एनेबल साउंड बार से भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड और आईफोन दोनों से स्क्रीन मिररिंग सपोर्ट करता है। फोर के वीडियोस को भी ये प्रोजेक्टर बहुत स्मूथली प्ले करता है। रिमोट काफी रिस्पॉन्सिव है, जिसमें आपको सेटिंग्स के बटन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली कीस्टोन करेक्शन को सेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर इस प्रोजेक्टर में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक एचडी प्रोजेक्टर में इलेक्ट्रॉनिकली कीस्टोन करेक्शन करने का ऑप्शन बहुत ही रेयर है, जो हार्डली इस रेंज के प्रोजेक्टर में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की, तो इसमें आपको पिक्चर और ऑडियो सेटिंग्स का मैनुअल ऑप्शन नहीं दिया गया है, केवल प्रीसेट मोड्स ही हैं। हालांकि ग्रे स्क्रीन पे इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मुझे व्हाइट स्क्रीन पे इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम लगी। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी बजट प्रोजेक्टर में आपको ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस नहीं मिलती है, उसके लिए फिर आपको 60,000 के अबव की कैटेगरी के हायर ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स लेने होंगे। ओवरऑल बात की जाए तो ये एचडी कैटेगरी का एक काफी अच्छा प्रोजेक्टर है, जो हाई एंड फीचर्स और अच्छी पिक्चर और साउंड क्वालिटी के साथ आता है। अगर इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती तो इसे एक सुपर प्रोजेक्टर कहा जा सकता था। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए इंडिया में ही मिलने वाली किसी अच्छी ग्रे स्क्रीन का रिव्यू जल्द लेकर आऊं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।